हे गाइस वेलकम टू ऑटो रिव्यूज। आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज आप लोग देख सकते हो कि आज हमारे साथ है 2024 का न्यू अपडेटेड महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जेड एल 4x2 डीजल मैनुअल वेरिएंट। काफी ज्यादा लंबा नाम है दोस्तों। तो इस गाड़ी में हाल ही में महिंद्रा ने कुछ अपडेट किया है, तो वो अपडेट क्या है मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दो फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस हियर इज द कार, दिस इज द ऑल न्यू 2024 महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड जेड एल डीजल मैनुअल 4x2। यहाँ पे अभी हाल ही में महिंद्रा ने इस गाड़ी में कुछ अपडेट किया है, तो वो अपडेट क्या है उसके लिए तो भाई वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप लोग डिजाइन की तरफ देखेंगे तो डिजाइन में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, आपका नॉर्मल से डिजाइन ही दिया गया जैसा आपको पहले मिलता था। लेट्स स्टार्ट विद द हेडलैम्प्स। हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल बैरल एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिलता है। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको स्वाइप टर्न, डायनेमिक स्वाइप टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। हेडलैम्प्स का विजिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो हियर इज योर डीआरएल एंड फॉग लैम्प्स, जो आपका दोनों एक ही जगह पे मिलता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, साथ में फ्रंट बम्पर वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आपको स्किड प्लेट मिलता है। ग्रिल की तरफ देखेंगे तो ग्रिल आपका वही सेम ग्रिल दे, 7 स्लॉट फ्रंट ग्रिल यहाँ पे देखने को मिलता है, सॉरी 6 स्लॉट का फ्रंट ग्रिल यहाँ पे देखने को मिलता है क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ पे महिंद्रा का न्यू ट्विन पिक्स लोगो। यहाँ पे देखेंगे तो 360° कैमरा आपको फ्रंट पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप लोग बॉनेट एंड विंडशील्ड की तरफ देखेंगे तो वो आपका सेम ही यहाँ पे दिया गया। तो गाइस यही था गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट से आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अभी अगर आप लोग बात करेंगे इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड से आप लोग देख सकते हो कि साइड से भी इसको तगड़ा एंड मस्कुलर लुक यहाँ पे आपको हमेशा से ही देखने को मिल जाए। स्कॉर्पियन हमेशा से काफी ज्यादा तगड़ा सा एक एसयूवी हुआ था महिंद्रा का जब ये लॉन्च हुआ था। एंड साइड प्रोफाइल के एलिमेंट्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको व्हील आर्च मिलता है। यहाँ पे टायर्स की तरफ देखेंगे तो अपोलो अप्टेरा का टायर मिलता है, 18 इंच का रेडियल टायर विद अलॉय व्हील यहाँ पे दिया गया, 215/60, 255/60, 18 इंच का रेडियल टायर विद अलॉय व्हील मिलता है। फ्रंट पे डिस्प्ले मिलता है एबीएस विद ईबीडी के साथ एंड सस्पेंशन ट्रैवल इज मोर देन एनफ एज पर योर नीड। अगर आप लोग मिरर्स की तरफ देखेंगे तो जो मिरर्स है, मिरर्स आपका ब्लैक कलर का मिरर्स मिलता है विद टर्न इंडिकेटर्स। ये जो मिरर्स यहाँ पे मिलता है ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डेबल मिरर्स यहाँ पे दिया गया। विंडो बेटलाइन फिनिश्ड इन क्रोम, बी पिलर फिनिश्ड इन मैट ब्लैक। ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में आपको रूफ रेल्स देखने को मिलता है एज यू कैन सी। नीचे देखेंगे तो जो डोर हैंडल्स है, दोनों डोर हैंडल्स ही आपको ब्लैक एंड क्रोम पार्ट में यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्रंट पे इसको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है जो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। नीचे देखेंगे तो नीचे आपको फुटस्टेप यहाँ पे दिया गया, जिसके ऊपर चढ़ के आप लोग इस गाड़ी में उठ सकते हो। रियर टायर की बात करेंगे तो रियर टायर भी आपका सेम है, अपोलो अप्टेरा का टायर मिलता है। यहाँ पे आपको व्हील आर्च दिया गया, यहाँ पे 255/60, 18 इंच का रेडियल टायर विद अलॉय व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और रियर पे भी इसको डिस्प्ले की देखने को मिल जाता है। तो गाइस यही था इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल। साइड से आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अभी हम लोग देखेंगे इस कार का रियर प्रोफाइल। रियर से अगर आप लोग इस गाड़ी को देखते हो तो रियर से भी इसको ऐसा ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर में ही सारा जो चेंजेस हुआ है, बाहर में उतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। और रियर प्रोफाइल के एलिमेंट्स की तरफ देखेंगे, सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटेना देखने को मिलता है एज यू कैन सी। और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रूफ एंड स्पॉइलर अलोंग विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प। और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो रियर डिफॉगर अलोंग विद रियर वाइपर। यहाँ पे देखेंगे तो महिंद्रा का न्यू ट्विन पिक्स लोगो। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है। टेल लैम्प्स की तरफ देखेंगे तो टॉल बॉय डिजाइन में इसका टेल लैम्प मिलता है, एलईडी टेल लैम्प्स यहाँ पे दिया गया। स्कॉर्पियो एन की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलता है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर एंड रिवर्स लाइट दोनों आपको एक ही जगह पे देखने को मिलेगा। रियर पार्किंग सेंसर यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि आपका 4x4 का बैजिंग नहीं है, तो ये गाड़ी 4x4 नहीं है भाई, 4x2 वेरिएंट ही है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो पीछे का जो डोर हैंडल है, यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग बात करेंगे बूट स्पेस के बारे में, तो जो बूट है यहाँ पे देख सकते हो कि थर्ड रो सीट अभी फिलहाल पूरा फोल्ड है। तो अगर आप नंबर ऑफ पर्सन कम हो और आपके साथ लगेज ज़्यादा है, तो आप सिंपली थर्ड रो सीट्स को फोल्ड करके अपना लगेज स्पेस बढ़ा सकते हो। तो थर्ड रो सीट्स को देखने से पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको थर्ड रो स्पेस में क्या मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टोरेज स्पेस दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है। थर्ड रो सीट्स की अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि थर्ड रो जो सीट्स है, यहाँ पे आपको ड्यूल एडजस्टेबल हेड, मतलब दोनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल देखने को मिलेगा। मेरे ओपिनियन की अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे लोग भी बैठ सकते हैं, बड़ा मेरे जैसा कोई बैठने जाएगा तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल डेफिनेटली फील होगा। और यहाँ पे जो अपोल्ट्री है, दैट इज लेदर अपोल्ट्री। तो यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन बता दिया कि थर्ड रो में कौन बैठ सकता है भाई। एंड यही था इस गाड़ी का थर्ड रो। ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में आपका ग्रैब हैंडल मिलता है अलोंग विद रीडिंग लैम्प, जो आपका एलईडी में मिलता है। इस जगह पे भी आपका सेम है, ग्रैब हैंडल मिलता है अलोंग विद रीडिंग लैम्प। तो गाइस यही था इस गाड़ी का बूट एंड थर्ड रो स्पेस के बारे में जो मिलता है, मैंने आपको बता दिया। अभी कर देते हैं इस गाड़ी के टेल गेट को बंद एंड जाएंगे इस कार के इंटीरियर पे, लेट्स गो। सो गाइस अभी हम लोग चलेंगे इस कार के अंदर, लेकिन अंदर जाने से पहले अगर आप लोग दरवाजे की तरफ देखेंगे तो दरवाजा आपको डुअल टोन फिनिश पे इसका दरवाजा मिलता है ब्लैक एंड कॉफी ब्राउन में। यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल मिलता है सिल्वर इंडस्ट्रेट पे। यहाँ पे देखेंगे तो पावर विंडोज का कंट्रोल देखने को मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग दिया गया, विंडो लॉक का कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे आपका
जो ओआरबीएम का कंट्रोल है वो आपको देखने को मिलता है। ऑटो फोल्डिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट टच, यहाँ पे देखेंगे तो बॉटल रखने का जगह, लेफ्ट साइड पे स्पीकर का प्लेसमेंट। यहाँ पे सीट्स की बात करेंगे तो सीट्स आपका नॉर्मल से यहाँ पे सीट दिया गया, मतलब लेदर अपहोल्ड्स के साथ डुअल टोन फिनिश पे इसका सीट मिलता है। डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिया गया है। एंड थोड़ा सा आगे देखेंगे तो तीनों पेडल्स मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन एंड ऑफ करने का बटन एंड हेडलाइट लेवलिंग यहाँ पे दिया गया। इंजन स्टार्ट सब आपको यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे आपका एसी वेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यही था जो बटन जो आपको यहाँ पे मिलता है। अभी हम लोग चलेंगे इस कार के अंदर। सो गाइस अभी हम लोग बैठे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन सेडेड एल के इंटीरियर पे। दिस अ 4x2 वेरिएंट। सबसे पहले स्टेरिंग व्हील की बात करेंगे तो स्टेरिंग व्हील आप देख सकते हो कि लेदर ट्रीटमेंट में इसका पूरा स्टेरिंग व्हील देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड कंट्रोल्स की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको मीडिया कंट्रोल्स देखने को मिलता है एज यू कैन सी। एंड राइट साइड की तरफ देखेंगे तो राइट साइड पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस करने का कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा आगे देखेंगे तो वाइपर का कंट्रोल मिलता है, ऑटो वाइपर इस गाड़ी में ऑब्वियसली मिलता है। एंड हेडलाइट का कंट्रोल भी आपको राइट साइड पे देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आपको ऑटो हेडलैम्प्स का फंक्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो क्योंकि ये मतलब लाइट ऑन है इस वजह से इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा डिम हो गया, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा अभी शो हो रहा है। तो लेफ्ट साइड पे आपका टैकोमीटर है, राइट साइड पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको फुल डिजिटल एक डिस्प्ले मिलता है जहाँ पे आपका ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, डिस्टेंस ट्रिम्ड, एवरेज फ्यूल कंज्यूमशन, डिजिटल फ्यूल गॉज, टेम्परेचर इंडिकेशन, ये सब का फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिजिटल टाइम दिखाएगा, आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग बात करेंगे दूसरे फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका टच स्क्रीन यहाँ पे वही सेम टच स्क्रीन यहाँ पे दिएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो एपल कार प्ले के साथ ये पूरा सिस्टम आता है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस टच स्क्रीन के बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हो ये टच स्क्रीन का क्या फीचर्स आता है, क्या फंक्शन है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली आपका एसी का कुछ इंडिकेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे कैमरा के बारे में तो इसका जो कैमरा स्क्रीन है, कैमरा स्क्रीन आप लोग देख सकते हो कि कैमरा स्क्रीन इट्स गुड, मतलब यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कैमरा यहाँ पे दिया गया। तो टच स्क्रीन में मैं आपको एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ जो मैं आपको उस टाइम दिखाना भूल गया, वो है यहाँ पे देख सकते हो कि टच स्क्रीन जो है वेंटिलेटर सीट्स का एक इंडिकेशन दिखा रहा है। तो इस जो सीट्स है फ्रंट जो दो सीट्स यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे अभी आपको वेंटिलेटर सीट्स को ऑप्शन देखने को मिलेगा जो आपको पहले नहीं आता था। तो महिंद्रा ने यहाँ पे एक और एक अपडेट किया है जो है फ्रंट दो सीट्स पे आपको वेंटिलेशन का ऑफर, मतलब वेंटिलेशन का जो फीचर है वो अवेलेबल कर दिया है। और उसके साथ अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ये है इस गाड़ी का एसी का कंट्रोल। यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ मीडिया कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसके साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको और कुछ कंट्रोल देखने को, जैसे कि ड्राइव मोड हो गया, हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हैजल लाइट का स्विच हो गया। यहाँ पे आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिलता है, साथ में कैमरा के लिए एक बटन मिलता है और एसओएस का एक बटन यहाँ पे दिया गया। सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो IRBM है, IRBM पे अपडेट हुआ है। IRBM अभी आपको फ्रेमलेस IRBM मिलता है ऑटो डिमिंग फीचर के साथ, तो ये पहले आपको नहीं आता था, अभी आपको ये फ्रेमलेस IRBM महिंद्रा ने ऑफर कर दिया है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है जो पहले आपको ZL ऑटोमेटिक पे देखने को मिलता था, अभी ये मैनुअल पे भी अवेलेबल कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ पोर्ट्स देखने को मिलेगा। और अभी चाबी को करते थे साइड पे, चाबी को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। चाबी देखेंगे तो दोनों ही रिमोट की मिलता है, लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन का बटन के साथ, तीनों बटन का इसका पूरा बूट, मतलब इसका पूरा की यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दिस इज योर 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो 12 कप होल्डर मिलता है, ट्विन कप होल्डर यहाँ पे दिया गया। मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट के अंदर का जो स्पेस है ये भी आपको डिसेंट टाइप का स्पेस ऑफर किया गया है। अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे ग्लव बॉक्स के बारे में तो ग्लव बॉक्स का जो स्पेस है, ग्लव बॉक्स का स्पेस भी डिसेंट है, यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपना जरूरी डॉक्यूमेंट्स आराम से बैठा के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऊपर में देखेंगे तो सनवाइजर मिलता है, पैसेंजर से सनवाइजर में आपका मिरर मिलता है विद लाइट, जो आपका LED लाइट मिलता है जो एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपका नॉर्मल सा टिकट होल्डर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे फ्रेमलेस IRBM जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिलता है एज यू कैन सी। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका रीडिंग लैम्प जो आपका LED में ही देखने को मिलेगा। सनरूफ का कंट्रोल मिलता है भाई यहाँ पे, अभी भी आपको सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलता है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ है। और गाइस यही था पूरा फ्रंट इंटीरियर, इंटीरियर में जो जो था मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अभी चलते हैं इस कार के सेकंड रो सीट्स पे, सेकंड रो सीट्स पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि इस कार के सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए कितना ज़्यादा स्पेस, क्या कंफर्ट एंड क्या फीचर्स वहाँ पे ऑफर किया गया, लेट्स गो। सो गाइस अभी हम लोग चलेंगे इस कार के सेकंड रो सीट्स पे। सेकंड रो सीट्स पे जाने से पहले अगर आप लोग दरवाजे की तरफ देखेंगे तो डुअल टोन फिनिश पे इसका दरवाजा मिलता है, ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश में, कॉफी ब्राउन है बेसिकली। यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल मिलता है, यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल देखने को मिलेगा। पावर विंडो का कंट्रोल देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी अप डाउन का फीचर नहीं मिलता, नॉर्मल सा पावर विंडो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका एक सिंपली
हैंडल मिलता है जिसको बेसिकली आप अंदर से बंद कर सकते हो इस दरवाजे को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पे आपका बॉटल होल्डर और लेफ्ट साइड के स्पीकर का प्लेसमेंट मिलता है। अगर आप लोग बात करेंगे सीट्स के बारे में तो सीट्स आपका फर्स्ट मैं बता देता हूँ कि सीट्स आपका लेदर डबोल्ट से है भाई। यहाँ पे देखेंगे तो डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, मतलब दो जो हेडरेस्ट यहाँ पे दिया गया वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिया गया। सीटिंग कम्फर्ट इज वेरी वेरी गुड, यहाँ पे लेदर डबोल्ट से यहाँ पे मिलता है। एंड बीच में देखेंगे तो बीच में आपका आर्मरेस्ट मिलता है विद कप होल्डर्स। बेसिकली अभी मैं आर्मरेस्ट आपको खोल के नहीं दिखा सकता बिकॉज आर्मरेस्ट पूरा प्लास्टिक से कवर्ड है भाई। तो यहाँ पे अगर आप लोग बात करेंगे सीट्स के नी रूम एंड हेड रूम के बारे में तो यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ एंड फ्रंट सीट मेरे ड्राइविंग कुशन मतलब मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। नी रूम मुझे काफ़ी अच्छा खासा मिल गया है, देख सकते हो थाई सपोर्ट की बात, थाई सपोर्ट भी यहाँ पे ठीक ठाक ही मिल जाता है। ऊपर में देखेंगे तो जो छत वाला है ये पूरा आपको व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका ग्रैब हैंडल विद शॉपिंग हुक जो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो रियर का जो रीडिंग लैंप है ये भी आपको LED में ही देखने को मिलता है। और अगर आप लोग हेडरूम की बात करेंगे तो हेडरूम स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा मुझे मिल गया, मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे जा सकता हूँ, लेदर अपहोल्स्टर्ड सीट्स है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिया गया, मैं बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे गाने सुनते सुनते जा सकता हूँ दोस्तों। तो यही था मेरा रियर सीट का रिव्यू, आपको रियर सीट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी हम लोग चलेंगे इस कार के बाहर। सो गाइज दिस वॉज माई डिटेल अबाउट द 2024 महिंद्रा स्कॉर्पियो NZL डीजल मैनुअल 4x2। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग ये गाड़ी देख रहे हो तो ये गाड़ी पहले आपको कुछ कुछ फीचर्स देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी महिंद्रा ने रिसेंटली इसको अपडेट किया है एंड कुछ मतलब ज़रूरी फीचर्स यहाँ पे दे दिया, लाइक आपका वेंटिलेटर सीट्स यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका ऑटो जो IRBM मतलब ऑटो डिमिंग IRBM यहाँ पे ऑफर कर दिया है और साथ में इलेक्ट्रिकल सीट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा पैकेज हो जाता है। प्राइस तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखा दिया था इसका प्राइस है। तो गाइस यही था आज का रिव्यू, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट्स में आपके मन में जो जो सवाल हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड अगर आप लोग इस चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबाओ हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।